बेरहम सास और पति ने बहू की लाठी डंडों से की पिटाई, हाथ और पैर में आई गंभीर चोटें, जिला अस्पताल में इलाज जारी। शिवपुरी जिले के अमोल पठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उड़वाया गांव में बुधवार को सास बहू के बीच हुए पारिवारिक विवाद को लेकर बहू के साथ सास और उसके पति ने लात घूंसू और लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सुमन पत्नी भूप सिंह गुर्जर उम्र 23 वर्षीय निवासी उड़वाया थाना अमोल पठा का बुधवार को अपनी सास कलावती से किसी बात को लेकर मुवाद हो गया, जिस पर से महिला के सास और पति ने उसकी बेरहमी से मारपीट कर दी। महिला को हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम भाई आपका? सुमन। आप आज हॉस्पिटल आई, क्या कुछ बात हुई है? मेरे हाथ पैर टूटे दोनों ने। किसने टूटे? माँ ने और मेरे पति ने। किस बात को लेकर मारपीट हुई? बस बेसिक घर में झगड़ा हो रहा था। कोई पहले से पुरानी झगड़ा हुआ था आप में कभी, किसी चीज को लेकर विवाद चल रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों मारा फिर? वैसे ही मार माँ के बंदे होने की माँ के। क्या नाम है आपके पति का? भूप सिंह। आप एक और किसी का नाम बता रही थी जिसने आपके साथ मारपीट की, वो कौन है? ये है भी मारपीट की। दो लोग बता रही थी आप, एक इनके आपका पति और इनकी माँ, दोनों ने मिलकर मारा है। कहाँ पे चोट आई है आपको? मेरा हाथ बिल्कुल टूट गया, मेरा पैर टूट गया। हाँ, किसने भर्ती कराया आपको? दीवानी ने और किसने किया है? क्या चाहती हो आप? नहीं, इनकी रिपोर्ट कराना चाहती हूँ। और क्या रिपोर्ट कराना चाहती हूँ?